सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज एक और वीडियो लेके आ रहे हैं रणदीप भाई के यहाँ से। रणदीप मलिक, जहाँ भाई का नाम आ जाता है वहाँ क्वालिटी के बारे में कोई समझौता नहीं होता। और आप आज की वीडियो में देखेंगे बहुत ही शानदार मुरा नस्ल की जोटियाँ, देखिए सामने बहुत ही सुंदर लग रही हैं। भाई साहब से बात करेंगे, डिटेल से पूछेंगे सभी भैंसों के बारे में। काफ़ी बढ़िया भाई का सेल परचेज का काम। और वैसे भी अगर बात करें तो शायद जींद में 50-55 वैसे एक ही जगह मिलना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन भाई के यहाँ रूटीन में इतनी वैसे रहती हैं। बताना चाहूँगा, जींद ज़िले से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। जींद की मेन मार्केट हरियाणा में जाना जाता था, रोहतक और जींद को, जहाँ से गाड़ियों का लोड होके आज से लगभग 40-50 साल पहले भी पूरी इंडिया में सप्लाई होता था। अभी जैसे जैसे सोशल जो ये यूट्यूब वगैरह फेसबुक आए हैं तो थोड़ा गांव में भी काम बढ़ा है। रणदीप भाई से बात करेंगे, सभी भैंसों के बारे में पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। तो रणदीप भाई, शानदार जोटियाँ आज भी हम देख पा रहे हैं और इस फार्म पे शायद कई दिनों में वीडियो बनाई है ना। हाँ भाई। तो अभी कितने पशुधन खड़ा है अपने पास? 70 भैंस खड़ी है भाई जी। अच्छा। दो ये डेयरी है और एक डेयरी और ली हुई है हमने। अच्छा। यहाँ पे गाड़ियाँ जैसे हमारी जा रही है, इस महीने में 7वीं-8वीं गाड़ी जा रही है। अच्छा, वहाँ शिफ्ट करने लगे पशुओं को? नहीं, वहाँ शिफ्ट नहीं की है, यहीं पे अपने पड़ोस में ही ली है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ज्यादा भैंसे हो गई थी। अच्छा अच्छा। और भाई गाँव में कोई ये कहता हो कि हाँ भाई मतलब ब्यात नहीं पड़ा है अभी, ठीक है, ज्ञापन भैंसे लेके आनी पड़ती है। वो दो दो चार चार दिन में या 5 दिन में, 1 हफ्ते में बच्चा देती रहती है और सेट होती जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है जी। तो आज अभी इस वीडियो में कितनी भैंसे दिखाओगे आप हमें? अभी हम आपको दिखा रहे हैं भाई जी 18-20 भैंसे। 18-20। करो जी शुरू, एक नंबर को खोलो, बताओ जी इसके बारे में, कौन से ब्यात के, कितना दूध है, क्या कीमत इसकी रखी है? भाई जी इसके अंदर आज की डेट में 20 लीटर दूध तैयार है। अच्छा। हाँ ठीक है। और सेकंड लैक्टेशन की है, दूसरे ब्यात की 20 लीटर दूध तैयार। कितने के दिन की ब्याई हुई है जी? ब्याई होगी भाई जी लगभग 15-16 दिन की। 15-16 दिन की ब्याई हुई, 20 लीटर दूध तैयार। कीमत क्या रखी है जी इसकी? कीमत अभी नहीं बताएंगे भाई जी, मौके पे बताएंगे कीमत। अब सभी भैंसों की, सभी कोई भी भैंस की कीमत नहीं? हाँ, किसी की बता भी सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही चल के जा रही है, भाई साहब ने बताया 20 लीटर दूध और कितने दिन की ब्याई बताई जी भाई जी 15-16 दिन की ब्याई होगी। 15-16 दिन की, बिल्कुल छोटा सींग। अगर सींग और चेहरे की बात करें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जोटी जैसे पहले ब्यात की हो, और नीचे से अडर और थन देखिए बहुत ही शानदार है, ऐसा लग रहा है जैसे मिल्क ब्यूटी कंपटीशन में फिलहाल जोटी पार्टिसिपेट कर रही हो। और शराफत देखिए जोटी में कितनी है, बहुत ही ज़्यादा शरीफ दिखाई दे रही है। गिन गिन के पैर जो है जोटी रख रही है, ऐसा नहीं है कि कोई भागने दौड़ने का इसके अंदर कोई झंझट दिखाई दे रहा हो। ये देखिए अडर और थन बहुत ही बेहतरीन, ये देखिए बहुत ही अच्छे अडर की क्वालिटी है, बहुत ही कम ऐसा पशुधन देखने को मिलता है। और ये देखिए जैसे बना के लगा रखे हों चारों थन, इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी मिल्क ब्यूटी की जोटी है भाई जी, हाइट मैटर नहीं करती, हाइट मीडियम है लेकिन लेंथ और हर चीज़ मतलब कहते हैं मुर्रा क्या है, मुर्रा ये जोटी है। और ऊपर भी जा सकती है दूध में? हाँ बिल्कुल भाई, अभी 15-16 दिन की ब्याई हुई है और नॉर्मल है इस गर्मी के अंदर। ठीक है। इससे आगे दो नंबर पे जो खड़ी है उसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बताओ भाई जी। दो दांत जोटी है, 4-5 दिन की ब्याई है और अभी 10-11 किलो दूध से स्टार्ट हुई है। 10-11 किलो दूध से शुरू हुई है, दो दांत जोटी देखिए, फुल साइज की लंबाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल छोटे सींग की। थोड़ा सा कलर आप देख पा रहे होंगे रेडिश टाइप से, लेकिन उसका कारण ये है कि जोटी के जो बाल हैं वो ताज़ा काटे गए हैं। नीचे से क्वालिटी देखिए जोटी की, बहुत ही सुंदर पूरी की पूरी जोटी जो है। अगर लंबाई ऊंचाई की बात करें तो बेजोड़, और एक ही जगह पे इतने शानदार पशुधन मिलना बहुत मुश्किल का काम है। लाखों रुपए लगा के ऐसे पशुधन इकट्ठा करना पड़ता है, और कोई भी जो डेयरी फार्म वाला है एक ही फार्म पे इतनी भैंसे मिलना, शानदार भैंसे मिलना बहुत मुश्किल का काम है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सींग, पतली चमड़ी, गर्दन काफ़ी लंबी, और नीचे से देखिए अगले साल जो है जोटी पूरी मैच्योर होगी तो अगले साल तक बहुत बढ़िया जो है तैयारी में आने वाली जोटी है। देखिए नसें बिल्कुल शरीर पे तनी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कागज़ जैसी पतली चमड़ी हो जोटी की। देखिए बहुत ही बढ़िया। तो भाई जी रेट इसका भी नहीं बताना? नहीं भाई। आगे वाली के खोलो जी, ये बताओ, ये खोल दो भाई, इसके बारे में बताओ कौन सा ब्यात है, कितना? 1 हफ्ते की ब्याई हो गई भाई। हाँ हाँ हाँ। और अभी इसमें दूध होगा मेरे हिसाब में 18 किलो के आसपास लगभग। ठीक है ठीक है। और दूध भी मेरा आइडिया है भाई, चाहे होस्ता ही 18 लीटर पे ही रुक जाए, मेरा आइडिया 25 प्लस का है।
25 किलो से ऊपर दूध देने की उम्मीद है, 7 दिन की ब्याई में 18 किलो दूध है, और 99.9% देगी। अच्छा, 99% निकाल देगी, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। छोटा सींग, शानदार जोटी, देखिए बहुत ही बढ़िया। ये भी ऐसा मिल्क ब्यूटी वाली है, कोई भाई ये ना समझे कि मिल्क ब्यूटी वाली नहीं है। ऐसी ऐसी जोटियाँ काफ़ी बार हमने कई साल पहले देखी है, मेलों में पार्टिसिपेट करती हुई और पहले नंबर पर रहती हुई। अडर की क्वालिटी देखिए, थनों की बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा, शरीर के ऊपर जचता हुआ सींग, बिल्कुल छोटा भी नहीं कह सकते सींग को, लेकिन शरीर के ऊपर बिल्कुल सेट है, बहुत ही शानदार जोटी। 25 किलो दूध की उम्मीद बाई की, और अडर की क्वालिटी देखिए बहुत ही बेहतरीन, थनों का साइज क्वालिटी बेजोड़, बहुत ही बढ़िया। तीन पशुधन हम देख चुके हैं, तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक। चार नंबर वाली भी पैलन लग रही है भाई जी, ये भी पहले ब्यात की है, पहले ब्यात की है। कितने दांत है, क्या दूध है बताइए? 4 दांत है भाई जी। और दूध? 13-14 किलो दूध तैयार है। 13-14 किलो दूध तैयार है, 4 दांत। कितने दिन की ब्याई हुई है अभी भाई जी? ये भी 7-8 दिन की ब्याई हो गई है। 7-8 दिन की, तो इसकी क्या उम्मीद है भाई? दूध देगी भाई जी 16 किलो। 16 किलो दूध निकाल देगी। ये भी देखिए काफ़ी शरीफ और शांत दिख रही है, और थनों की क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी, बिल्कुल मुट्ठी के आकार के थन है। दूसरी तीसरी बार भी बच्चा देगी तो ऐसा नहीं लग रहा कि थन पैरों के नीचे दब जाएगा या कोई समस्या मैस्टाइटिस वगैरह की आएगी। जो एग्जैक्ट जो थन जो है मुर्रा का होना चाहिए, वो थन चोटी को लगा हुआ, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए शानदार, चार पशुधन हम देख चुके हैं, चारों के चारों बहुत ही बढ़िया। इससे आगे पाँचवें नंबर पर, इसके बारे में बताओ जी। ये भी भाई जी पहले ब्यात की है। पहले ब्यात की ज्यादा लेते हैं, और रणदीप भाई इसका क्या रीजन है? पहले और दूसरे ब्यात की लेते हैं भाई जी। पता ही क्या है, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि अगर कुछ ना समझ में है ना किसी ग्राहक को, हाँ, तो जवान पशु ले लो पहले। अच्छा, ब्यात का। हाँ अच्छा, अगर 10 रुपए महंगा भी ले लिया हो तो अगले साल ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ये कितने दांत है? ये भी 4 दांत है भाई। 4 दांत पहले ब्यात की। दूध कितना है इसमें? 12 किलो दूध है, थन बहुत अच्छा निकालती है। 12 किलो दूध, कितने दिन की ब्याई में? ब्याई होगी 1 हफ्ते की भाई, नीचे फीमेल काफ है। 7 दिन की ब्याई, कटड़ी, 12 किलो दूध, बिल्कुल छोटा सींग, साइज बहुत बढ़िया। और ये जो 7-7, 8-8, 10-10 दिन की ब्याई जोटियाँ हैं, इनको चाहिए लगभग 1-1 महीना पूरे दूध पे, तब आएंगी। ये थन भी जो बढ़िया है वो बाद में निकलेगा, लेकिन इसके गैप देखिए थनों का, बहुत बढ़िया है जोटी का। ये देखिए बहुत ही शानदार। और इससे आगे फिर जिस भैंस का भी रेट बताना हो भाई साहब, उसका बता देना। खोलो जी इसको। ये पहले ब्यात की है भाई जी, नीचे फीमेल काफ है। दूध कितना दे रही है अभी? 12 किलो दूध इसमें तैयार है, और थन, चुआई, पुसाव, कोई कोई जोटी का मिलेगा ऐसे। अच्छा, दूध भी 15+ देगी पहले ब्यात में। 15 किलो से ऊपर दूध निकालेगी पहले ब्यात में, बहुत ही सुंदर। ये देखिए पहले ब्यात की जोटियों का, जो भाई के पास जितनी हैं वो सारी की सारी शायद ही कि कहीं हरियाणा में आज की डेट में बिक्री वाली खड़ी हो, इतनी शानदार जोटियाँ, बहुत ही बढ़िया। 1,38,000 रुपये रेट है भाई। 1,38,000 रुपये की बेचनी है। दांतों में कैसे होगी भाई जी? ये भी 4 दांत है भाई। 4 दांत, हाँ। बिल्कुल बढ़िया शानदार जो है अडर की क्वालिटी। थन देखिए इसका भी जो है काफ़ी अच्छा, और चुवाई भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बिल्कुल पॉली चुवाई है, बहुत अच्छी चुवाई है, और बहुत अच्छी दुधारू जोटी है। ठीक है, ये आगे वाली भाई? ये भी फर्स्ट टाइमर है भाई। ये भी पहले ब्यात की? कल ये बच्चा दिया, लगभग खाली कर रखी है। अच्छा, हाँ ठीक है। और चेहरे से लग रहा है दूसरे ब्यात की? हाँ, लेकिन 4 दांत पहले ब्यात की, गारंटेड पहले ब्यात की है। 4 दांत है? हाँ। अच्छा, तो ये 4 दांत तो भाई दूसरी बार भी बच्चा दे देती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइमर है। अच्छा, तो ये कितना दूध दे देगी भाई साहब? बहुत ज़्यादा उम्मीद है इससे। आज तो ये देखो जड़ वड़ के थोड़ा सा अडर भी इतना नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी बहुत है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कल देखते तो बहुत ज़्यादा बड़ा अडर था जर्सी गाय जैसा। अच्छा, ये हाँ, कितने की बेचनी है? ये भाई जी 1,68,000 रुपये की। 168,168,000 रुपये की। देखिए पहले ब्यात की जोटी 4 दांत, बहुत बड़े अडर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। भाई तो कह रहे हैं कल काफ़ी बड़ा था, लेकिन जोटी कह रही है आज भी काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, और इससे आगे फिर हम एक और खोलो जी इसको। ये बताओ जी, ये भी पहले ब्यात की है भाई? पहले ब्यात की। हाँ जी ठीक है। ये 4 दांत है, 13-14 किलो दूध तैयार है इसमें। 13-14 किलो दूध तैयार, 4 दांत। हाँ, रेट वगैरह बताते रहना साथ। 1,38,000 रुपये रेट इसका है भाई। 1,38,138। देखिए नीचे फीमेल काफ है, 4-5 दिन की ब्याई है। फुल साइज जोटी का
अडरोथन भी काफ़ी बढ़िया, ले आओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पशुधन भाई के पास, कहने ही क्या है। ये देखिए, और अडरोथन इसका भी काफ़ी अच्छा, जहाँ कोई कमी दिखाई देती है वो भी बताते हैं, लेकिन आज की वीडियो में किसी भी पशुधन में कोई कमी किसी तरह की दिखाई नहीं दे रही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की कि कोई कमी बताई जाए, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि अगर हम कमी ना बताएं तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनका देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये बताइए जी, ये भी फर्स्ट टाइमर है भाई, चार दांत पहले दांत की, ये भी बोड़े से खाली हुई है, खाली होती है, 8-9 किलो से स्टार्टिंग है। अच्छा, इसका क्या कीमत रखी है? इसके भी भाई 1,38,000 रुपये। 1,38,000, देखिए साफ़ सुथरी जोटी, बिल्कुल काफ़ी बड़ा आर्डर बनाने वाली है, इसको टाइम चाहिए, बाई वगैरह आई हुई है और बहुत बढ़िया जोटी जो है बनने वाली है। ऐसी एक जोटी हमने लगभग आज से 10 साल पहले ली थी, जो कि 17-18 किलो दूध उसने पहले ब्यांत में दिया था, और वो जालंधर में जो रुड़का कलां गांव है गैरी संधू बाई का, उनके गांव में एक मित्र के पास गई थी, बहुत ही बढ़िया। आगे वाली भाई जी बताओ, सेकंड टाइम डिलीवरी होएगी भाई इसकी, बच्चा देने वाली है। हाँ। कितने एक दिन बाकी हैं जी? 1 हफ्ता ले लेगी। 7 दिन, क्या? हाँ। दूध की उम्मीद करते हो? 25+ की। 25+, कितना दिया है पहले ब्यांत में? वो तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे, अभी बताने में कुछ नहीं लगता, ठीक है। 22 किलो बता रहे थे, 20+ बता रहे थे पहले ब्यांत में। अच्छा। हाँ, तो इसकी कीमत तो फिर बाद में ही। हाँ, बाद में ये डिसाइड करेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा सींग बड़ा। हाँ, सींग बड़ा है और इतना चौड़ापन और इतना अडर का चौड़ापन, बिल्कुल कोई कोई भैंस में मिलता है भाई। थोड़ा सा सींग बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अडर और थनों की क्वालिटी अगर 7 दिन जोटी ले लेती है तो मैं कहूँगा जोटी से लास्ट के जो 2 दिन होंगे उनमें बैठना उठना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूटी कंपटीशन लड़ने वाली जोटी, अगर थनों की बात करें, अडर की क्वालिटी की बात करें, सींग जो है ब्यूटी कंपटीशन में ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार पशुधन। ये वाली बताओ जी, ये सेकंड टाइम डिलीवरी होगी भाई, ये भी बच्चा देने वाली, काफ़ी ले लेते हो बच्चा देने वाली। बहुत है भाई जी, अभी तो 25 जोटियाँ अलग से बांध रखी हैं बच्चा देने वाली। अच्छा। हाँ, गांव में भी वैसी नहीं मिलती। ये बताओ, ये भी सेकंड टाइम डिलीवरी होगी भाई। दूध पहले ब्याह में 16 किलो दिया हुआ, अब देखो कितना देगी। 16 दिया है तो देना चाहिए 18-20 किलो तो पक्का। तो कीमत वगैरह? कीमत वगैरह ब्याह नहीं बाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शरीफ जोटी है, शायद ये तो 2-3 दिन में बच्चा दे देगी भाई। नहीं भाई, जिस दिन ली थी आज से 15 दिन हो गए, उस दिन भी ऐसा लग रहा था 2 दिन में दे देगी। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी उस दिन लग रहा होगा अभी दे देगी बच्चा। हाँ, हो सकता है दे दे, और बच्चा तैयार है, नीचे से बनी हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, बहुत चौड़े अडर की है, जो जड़ है अडर की वो तो काफ़ी चौड़ी है, थन देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार बच्चा देने वाली जोटी हो। बहुत ही बढ़िया, और भी दिखानी है जी को? हाँ भाई, अपनी डायनासोर बेस्ट दिखाएंगे। डायनासोर? हाँ। नाम ही डायनासोर रख रखा है। बिल्कुल भाई, खोलो भाई, अभी इन भैंसों के साथ में जाएगी, आप खुद कहेंगे डायनासोर है या नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जितनी भारी जोटियाँ दिखाई दे रही है, अपने घर वाली जोटी है। हाँ। तो ये कितना दूध दिया है जी इसने? भाई अभी लेके आए थे इसको। अच्छा, कहाँ से ली है? हाँ, ये सुल्तानपुर वाली जोटी। अच्छा, ये तो 2-3 बार देख चुके हैं हम वीडियो में। अभी इसका 1.25 महीना रह गया मेरे हिसाब से लगभग। इसके साथ साथ लो। हाँ, इनके साथ साथ में लो, देखो 1.25 महीना, बिल्कुल पीछे भैंस छुप जाती है। ये देखिए, एक भी भैंस दिखाई नहीं देगी भाई, दो भैंसे छुप जाती हैं भाई। हाँ। चला उधर भी लेके जाना, बहुत ही शानदार जोटी, फुल हैवी वेट, इतने बड़े शरीर के साथ में शरीफ भी है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थन लंबा दिखाई दे रहा है भाई। हाँ भाई, लेकिन अडर भी इतना ही बड़ा करती है। अच्छा। हाँ, लेडीज चोई करती थी। हाँ, तो झटके वगैरह उसमें ले आओ भाई, ले आओ, बहुत बढ़िया, 2 भैंसों के बराबर वजन है रणदीप भाई। हाँ बिल्कुल भाई, आज मेरे हिसाब से इसी टक्कर की कोई भैंस होगी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा साइज है जोटी का, और दूध क्या उम्मीद करते हैं भाई साहब इसकी? उम्मीद तो भाई जी देखो, अभी निकाल के देखेंगे तब पता चलेगा। अच्छा। हाँ, और भी कोई भैंस दिखानी है? नहीं, और नहीं दिखाएंगे भाई। अच्छा। हाँ, ये देखिए बहुत ही शानदार पशुधन भाई के यहाँ पे, और इसका अभी कितना कितने महीने बताए? बाकी 1.25 महीना, 1.25 महीना बाकी है टाइम के हिसाब से। और खुलने ये भी ये तो ब्याने के बाद ही बेचते होगे?
हाँ भाई, या अगर रखोगे? हो सकता है, देखते हैं मेल फीमेल क्या देगी, फीमेल दे दी तो रखेंगे और अच्छा मेल दे दी तो भी रखना चाहिए भाई। हाँ तब भी रखेंगे भाई इसको। तो और अभी बिक्री कहाँ की चल रही है रणदीप भाई? हर जगह की भाई, अभी मेरी वहाँ पे आंध्रा में बैस जा रही है और गुजरात जा रही है, उन भाई के पास जिनके पास है गुजरात जा रही है, तीसरी बार गाड़ी जा रही है अभी मेरी, ठीक है, और पूना जा रही है, पूना जिन ग्राहक के पास जा रही है वो सातवीं गाड़ी जा रही है मेरी। अच्छा, ठीक है। हाँ, और वैसे सही पूरे मतलब पंजाब की मेरे पास डेली की बिक्री रहती है, डेली की एवरेज आती है, मतलब हो सकता है एक दो दिन ना बैस बिके, लेकिन एवरेज नॉर्मल 60-70 बैसों की मेरी पंजाब की है हर महीने की। हाँ, हर महीने की। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो और क्या कहना चाहेंगे, कोई भाई बाहर से आए, जैसे हम भी कहते हैं दो टाइम दूध निकाल के लें, मार्केट में रेट का सर्वे करके लें। हाँ भाई, अभी मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, इसको खोलो भाई, इसको खोलो, इस जोटी को खोलो और इसको खोलो, दो नंबर को। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ सबको, एक तो बाहर का ग्राहक सोचता है हमारे हरियाणा में गबन भैंस दूध देना चालू कर दे, ठीक है, वो सोचता है एक दिन की भाई हम बता दी 10 किलो, अरे 10 किलो वाली तो हमारे 80,000 की मिल जाती है, ठीक है, वो एक डिफरेंस देखो, जोटी ये भी साफ सुथरी है, बढ़िया जोटी है और ये जोटी भी है, साथ साथ लगाओ इनको, साथ साथ लगाओ, ठीक है, इसमें मान के चलो अभी 9-10 किलो ही दूध है, ठीक है, 4 दिन की ब्याई है मान के चलो, सपोज करो, और इसमें 11-12 किलो है। अच्छा, ठीक है, इसके रेट का और इसके रेट का मेरे हिसाब से आधो आध का से भी ज्यादा का डिफरेंस होगा। बिल्कुल, ठीक है, इसमें बताया नौ कितना किलो दूध, 9-10 किलो होगा, और उसमें इसमें 11-12 किलो होगा, 11-12, ठीक है, दूध उसका ज्यादा है लेकिन रेट का डबल हो जाएगी है। बिल्कुल डबल भी हो जाएगी, और अगर ये अच्छा दूध दे गई, अगर इसने 20 लीटर दूध दे दिया सपोज करो, तो मतलब ये मान के चलो 3-4 गुना का भी अंतर पड़ जाएगा। ठीक बात है। हाँ, और ये नहीं सोचते क्या है कि हाँ भाई इसमें ये रेट हो गया, हमारा जो रेट है वो फिक्स रेट है, ठीक है, अगर हमारे को भैंस में घाटा करना है तो उसमें भी हम फिक्स रेट का बताएंगे, और मुनाफा करना है उसमें भी फिक्स रेट बताएंगे। बिल्कुल, क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो भाई वीडियो देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क दोनों जोटियों में, लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, और जो एक नंबर पे जोटी खड़ी है वो तो अगर अगले साल बढ़िया टाइम पे बचा दे देगी, और अगर ब्यूटी कंपटीशन उस टाइम पे हो तो मैं कहूँगा कोई मुकाबला जोटी का ना रहे दूसरे ब्यात में, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से दो दांत बताई ना आपने, दो दांत निकालते हुए भाई, निकालते हुए तो 4 दांत होएगी, फिर 6 दांत होएगी, फिर दांतों से मिलेगी, साल भर में तो इसका शरीर जो है वो लगभग 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा अगर बढ़िया ग्रोथ लेती है तो बांधो भाई। तो ये देखिए बहुत ही शानदार जोटियाँ रणदीप भाई के पास हमें देखने को मिली। एक जो पशुपालक है, अच्छा पशु रख, जिसको अच्छे पशु की नॉलेज है, उसकी मैं कहूँगा इतने बढ़िया पशु देख के एक आत्मा सी संतुष्ट हो जाती है, आत्मा जो है शांत हो जाती है, अच्छा पशुधन देख के दिल खुश हो जाता है। तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं, रणदीप भाई से जुड़ना चाहते हैं, अच्छी भैंसें लेना चाहते हैं, वो भाई भाई के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। दोबारा से कहूँगा जिनसे वीडियो लेके आ रहे हैं रणदीप भाई के फार्म से, जो भी भाई इनसे पशु लेना चाहता है संपर्क कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर और इनका कॉल का जो नंबर है वो दोनों लगातार चल रहे हैं वीडियो में। आप जो भाई वीडियो देख रहे हैं कॉल ना उठा पाएँ भाई तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप इनको कर सकते हैं। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।